गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीआर किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में समोसे। समोसे तो हर जगह खाए होंगे, पर ये मैं प्योर यूपी स्टाइल के समोसे बना रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो प्लीज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसे लग रहे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं समोसे। बनाने के लिए कुछ चीजें जो हमने लेनी है वो क्या है, सबसे पहले हमने लिया है 1 कप यहाँ पे मैदा, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है जो कि हम इस डो में डालेंगे। उसके अलावा मैंने लिया है करीब 250 ग्राम ये आलू है जो कि बॉयल्ड है। उसके अलावा कुछ मसाले जो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन, ये है लाल कुटी हुई मिर्च, भुनी हुई धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक, इसके अलावा ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर, और ये है मेरा थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें हमने लिया हुआ है काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। उसको हल्का सा रोस्ट करके मैंने भून के ये पाउडर बना लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना डो रेडी करते हैं। तो ये जो मैदा लिया है वो मैंने एक बड़े बोल में पोर कर दिया पूरा, और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल जो कि हमने लिया हुआ था वो हमें मिक्स करना है। ये ऑयल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा, ये देखिए, ये ऐसे जब आपका हाथ से बंधने लगे इसका मतलब ऑयल ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हल्का सा टाइट सा डो बनाएंगे, बहुत ढीला नहीं बनाएंगे, डो हमारा थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका डो। जब मैदा हमारा हाथ से ऐसे बंधने लगे इसका मतलब ऑयल सही है, मैदा में इतना ही इनफ है। और अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो बनाएंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से ऐसे लगा के इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। ये मैं इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख दे रही हूँ, और तब तक मैं अपना आलू रेडी कर लेती हूँ। तो आलू के लिए मैंने ये बोल लिया है, ये इसमें आलू डाल दिए, और धीरे धीरे करके सारे मसाले जो मैंने आपको बताए, ये मैंने लाल कुटी मिर्च, भुना पिसा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए, 1/2 चम्मच मैंने डाला, थोड़ा सा काला नमक, अमचूर ये मैंने 1 छोटा चम्मच, और ये गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मुझे कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, और इसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल रहे हैं, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और ये जो आलू हमने रेडी किया है इसमें सारी चीजें मिक्स करी हैं हमने। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बाजार में समोसा मसाला या तमालू मसाला के नाम से भी मसाला मिलता है, आपको मिल जाए तो आप उससे भी बनाओ, बट मैंने आज सारे मसाले खुद से मिक्स किए हैं इसलिए, क्योंकि अगर आपको मसाले नहीं मिलते हैं तो भी आप बना लो। तो ये जो आलू हमने रेडी किया अब इसको हम कढ़ाई में डाल के भूनेंगे। भूनने के बाद इसका अलग सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा सा, आप खा के देखोगे तो आपको टेस्ट पता चलेगा, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैं 5 से 7 मिनट हल्का इसे भून लूंगी। ये मसाला हमारा भुन गया है आलू का, और ये कढ़ाई से अलग होने लगा, ये अच्छे से भुन गया। अब मैं इसे अलग निकाल लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। अभी हमारा ये आलू भी जो हमने भून के रेडी किया था वो ठंडा हो गया है, समोसा बनाने के लिए रेडी है, और हमारा डो भी रेडी हो गया। तो अब हम आपको समोसा बनाना बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ये ऐसी गोल गोल पेड़े बना लेने हैं डो के, और अब इसे बेल लेना है। तो इसे हम ऐसे फैला लेंगे, ना बहुत मोटा रखेंगे ना बहुत पतला रखेंगे, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं लगभग वैसा रहेगा। और मैंने पहले बताया था डो थोड़ा टाइट होना चाहिए इसलिए बेलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये मैं आपको फैला के दिखाती हूँ।
ये हमने एक बड़ी पूड़ी का शेप दे दिया है इसे बना के। अब मैं इसे ग्लास से कट कर रही हूँ, आप किसी और से भी कट कर सकते हैं, कोई भी कटर, ढक्कन, कुछ भी। तो ये मैंने ऐसे कट कर लिया, इसको मैंने कट करके अलग कर लिया। ये देखिए, आपको जो भी शेप बनाना है, बड़ा छोटा, उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने जो छोटी छोटी पूड़ियां कट करके रखी हैं, अभी इन्हें मैं बेलन से थोड़ा थोड़ा फैला लूंगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी मोटी हैं और इन्हें और इक्वली बराबर से बेल के रेडी कर लेना है। ये मैंने बना बना के रख लेना है अलग प्लेट में। ये मैं इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला दूंगी। और अब मैं बताती हूँ कि समोसे कैसे बनने हैं। इनको मैंने ऐसे फैला लिए थोड़े थोड़े, ये देखिए, ये सब जगह से इक्वल हो गए, नहीं तो थोड़े से मोटे पतले होते हैं। अभी ये एकदम बराबर हो गए। ये अब हमें इन्हें बीच से नाइफ से ऐसे हाफ डिवाइड करना है, हाफ सर्कल। ये हमने हाफ सर्कल ऐसे कट कर लेना है सबको ऐसे ही, ये देखिए। और मैं अब आपको भरना बताती हूँ कि समोसे कैसे भरेंगे। कॉर्नर को ऐसे पकड़ के हमें ऐसे ऐसे, और फ्रेंड्स ये मैंने ग्लू रेडी किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है जिसे मैंने घोल के हल्का सा पका लिया। और ये बहुत अच्छा ग्लू होता है, ग्लू इसलिए लगाते हैं कि ये जब हम तलें तो मसाला हमारा समोसे से बाहर ना आए, खुले ना। ये मैंने हल्के ग्लू लगा के ये कोन को रेडी कर लिया है। और अब इसमें हम अपना आलू भर रहे हैं, तो आलू भरेंगे और भरने के बाद इसे ऐसे हल्का सा दबा के, और फिर ये देखिए ऐसे दबा देने हैं। ये देखिए हमारा समोसा है। ऐसे ही हम सारे समोसे रेडी कर लेते हैं, फिर आपको हम तल के दिखाते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, तो हमें समोसे लो फ्लेम में ही फ्राई करने हैं। ये मैंने इसमें अपने छोटे छोटे समोसे डाल दिए, धीरे धीरे इनको सारे डाल दिए। और फ्रेंड्स लो फ्लेम में ही इन्हें हमें धीरे धीरे पकाना है, लगभग 20 मिनट लग जाएंगे, समोसे तभी अच्छे बनते हैं। आप हाई फ्लेम में इसे मत तलिएगा, नहीं तो फिर इनका स्वाद अच्छा नहीं आता। तो ये हम इन्हें अभी ये देंगे, इसको धीरे धीरे पलटते जाना है और इनको हल्के लाल होने तक ऐसे धीमी आंच में पकने देना है। ये समोसे अब हमारे हो गए हैं, ये देखिए लाल होने लगे हैं, तो अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं।